हाय। अब आज मेरी दिन की ड्यूटी थी, आप लोगों को मालूम तो है, और अब घर के लिए निकल पड़ी हूँ। ड्यूटी हो गई है ख़त्म, शाम के 5 बज रहे हैं। एज़ यूजुअल मैं एक बार आपको घूम के दिखा देती हूँ, मतलब ये हालात है गर्मी के। और फॉरकास्ट ये था कि आज जो है थोड़ी सी ठंडक होगी, बट नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं हुआ। मौसम विभाग का फॉरकास्ट जो है वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, और गर्मी अपने उतनी ही ताप दे रही है। तो मैं घर निकल रही हूँ आज इस वक्त से, रेडियो इसकी कहती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह से आज घर में बहुत सारा काम था, और इतना सारा काम था जल्दीबाजी में बिल्कुल, और मिट्टी का काम कर रही थी ना, तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कि मिट्टी के हाथ को धोऊं, फिर कैमरा लगाऊं, मोबाइल लगाऊं, चुप हो जा भाई चुप हो जा, और फिर शूट करूं। तो इसलिए जल्दीबाजी में दिन के ऑफिस आना था, तो मैं चुपचाप तैयार होकर के घर का सारा काम निपटा के ऑफिस आ गई थी। और अब सारा दिन ऑफिस में काम किया है और अब घर के लिए मैं जा रही हूँ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस टाइम से, और अब घर पहुंचते हैं। तब तक गर्मी में ऐसे ओपन में गाड़ी आप लगा के रखो, और जैसे ही स्टार्ट आप करते हैं गाड़ी को, कितनी हीट निकलती है ना। तो इस तरह से जब कभी भी आप गाड़ी स्टार्ट करें और गाड़ी आपकी ओपन में खुले में रखी हुई है, तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले शीशे को नीचे करिए, या स्टार्ट करते ही शीशे को नीचे करिए, ताकि अंदर जितनी गर्मी है ना वो बाहर निकल सके। नहीं तो स्ट्रोक लगने का भी डर रहता है। लोग बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सडनली जो जैसे एसी स्टार्ट हो जाता है तो लोग फेंट तक कर जाते हैं। तो इसलिए गाड़ी स्टार्ट करते ही पहले शीशे को ज़रूर ओपन करें, मतलब विंडो ज़रूर खोल लें। घर आ गई थी, घर आते ही मैं अपने लिबास में आ गई थी, और ये लिबास इसलिए ज़रूरी था क्योंकि धूप तो ख़त्म हुई नहीं थी। आजकल तो 7 बजे तक धूप हल्की हल्की रहती है, तो टेरेस पे आगे जो बचे हुआ काम था, मैंने कहा जल्दी जल्दी गमले वगैरह सेट कर देती हूँ, और बहुत भारी भारी गमले हैं। सुबह तो 10 बजे तक आज काम करती रह गई थी, और कल जो वो डोर का काम हमारी कारपेंटर जी कर रहे थे उनसे हुआ नहीं था। डोर क्लोज़र लगाना था जो कि वो सही लगा के गए नहीं थे। अब फिर से आज भाटिया साहब ने उनको बुलाया है और वो लगे हुए हैं, वो अपना डोर क्लोज़र लगाने में, उसे ठीक करने में, और साथ में मैं लगी हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी मैं जितना जल्दी इस काम को निपटा सकूं, क्योंकि ठीक से सफाई नहीं हो पा रही है। और मेरा जो गार्डनिंग का चैनल है उस पे मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एक बार व्यू देंगे, ओवरव्यू तभी दे सकते हैं ना जब गार्डन सेट हो जाए बढ़िया से। किसी किसी दिन ना शाम के टाइम में एकदम कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। अभी छत पे काम कर रही थी, फिर यहाँ आ गई हूँ। आज कमल जो है ऑफिस गए हुए थे, तो ऑफिस से आए हैं 6 बजे शाम को, तो इतना थक गए हैं कि वो कमरे में जाके अब सो गए हैं या लेटे हुए हैं, पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं। और मैं अकेले इधर से उधर, वो भोजपुरी में कहा जाता ना बहुरा रहल बनी तो बहुरा रहल बनी, इधर से उधर बस मैं घूम रही हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या किया जाए। कोई आलम है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे गर्मी होगी। प्लांट्स भी बेचारे बहुत बहुत ही उदास से हो रहे हैं, और काम की वजह से ये देखिए कितना सारा इसके ऊपर धूल आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना डस्ट इसके ऊपर जमा हुआ है। अब इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, हर जगह डस्ट है क्योंकि काम हो रहा है इतना। इसके ऊपर आप डस्ट से देखिए कितना सारा डस्ट है इसके ऊपर, मतलब अभी मतलब सोच के भी घबराहट हो रही है कि इतनी सारी डस्टिंग जो है करनी होगी, और डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे जब तक हम, तब तक होगा नहीं। इस तरह से प्लांट्स पे भी ये लगा हुआ है, तो ऊपर के गार्डन के काम की वजह से इतना ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है अभी। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि गर्मी भी एक बहुत बड़ी वजह है। टेम्परेचर कम हो ही नहीं रहा है, और टेम्परेचर कम हो तब जाके थोड़ी सी शांति मिले, बारिश हो, बारिश की बूंदे वगैरह आ जाए तो कुछ बदलाव आए। बस फिलहाल तो इसी तरीके से घूम रहे हैं,
समय गुजार रहे हैं। सच कहा जाए तो समय जिसे गुजारना कहते हैं ना, उस समय ही मैं गुजार रही हूँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद ना नींद भी नहीं आती है मुझे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही मैं बोल रही थी कि जिस दिन बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा वर्क, और दिन की ड्यूटी मैं सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठ के फिर मैं काम में लगी रहती हूँ और उसके बाद काम करते करते फिर ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से आने के बाद फिर से काम में लग जाओ, तो ये सब थोड़ी मुश्किल होती है। और शायद मेरी बातचीत से भी आपको लग रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा थकी हुई हूँ, इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ। बस जस्ट अभी आई हूँ, अब रात के बज गए हैं, 8:30 बज रहे हैं। उसके बाद अभी एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद फिर वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि दिन सुबह हो जाती है तो फिर मुश्किल है, और फिर मॉर्निंग ड्यूटी है, और क्या करूँगी, क्योंकि प्लानिंग कोई नहीं है। कल मिलते हैं आपसे, आपसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।